हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एक पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो हम देखते हैं इसमें पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये वास्तव में बहुत ही इजी एक पैसेज है। ये पैसेज बहुत ही इजी है, अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आप इसे बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें आपको कुछ कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि रात अंधेरी थी, रात अंधेरी थी। और देखा जाए तो इसमें एक टाइम की बात हुई है, और जब भी टाइम या वेदर की बात होती है तो वहां पे हम इट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। रात अंधेरी थी का मतलब है इट वॉज अ डार्क नाइट। रात अंधेरी थी, यहाँ पे एक टाइम की बात हुई इसलिए हमने सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया है। इट वॉज अ डार्क नाइट, रात अंधेरी थी। अब फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है कि घड़ी में 12 बज रहे थे। तो घड़ी में 12 बज रहे थे, स्टार्टिंग के दो तीन लाइन सुनने से हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमें किसी हॉरर मूवी की स्टोरी सुनाई जा रही है। इस तरह से कि मतलब रात अंधेरी थी और घड़ी में 12 बज रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। तो इस तरह जब हम इसको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमको डराया जा रहा है, हॉरर सीन हमको सुनाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं कुछ भी। तो हमारा ये सेकंड सेंटेंस है कि घड़ी में 12 बज रहे थे, इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया कि इट वॉज 12 o'clock। और फ्रेंड्स अगर आपको ये भी कंफ्यूजन है कि 12 o'clock इसमें ओ किस लिए लिखा जाता है, तो आपको बता दें कि ओ का मतलब ऑफ है, यानी घड़ी के 12, यानी कि का के की के लिए जो ऑफ का यूज करते हैं ये ओ का मतलब ऑफ ही होता है। तो इट वॉज 12 o'clock अर्थात घड़ी के 12 बज रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। अब ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। लेकिन यहाँ भी हमें इस सेंटेंस में भी, ये भले ही पास्ट कंटिन्यूअस का एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी एक बात हमें ध्यान देने वाली है। अब इस सेंटेंस में हमें ध्यान क्या देना है कि इसमें आया हुआ है भी, और यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर देंगे फ्रेंड्स कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो भी आ गया है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे भी के लिए आल्सो का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, इवन का यूज करते हैं, ईदर का यूज करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि भी के लिए आल्सो और टू का यूज होता है केवल पॉजिटिव सेंस में। जब भी हम कोई पॉजिटिव बात करते हैं तभी हमें भी के लिए आल्सो या फिर टू का यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे बात नेगेटिव की हो रही है, जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमें भी के लिए टू का यूज या फिर आल्सो का यूज नहीं करना है, बल्कि अगर हम इवन का यूज करेंगे तो इवन का यूज सेंटेंस में सबसे पहले ही होता है, और इसके स्थान पर ईदर का भी यूज कर सकते हैं, या तो ईदर का यूज करेंगे या फिर इवन का यूज करेंगे। कब? नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आएगा तो उसके लिए हम इवन या फिर ईदर का यूज कर सकते हैं, और इवन का यूज हमें स्टार्टिंग में करना है और ईदर का यूज हमें सेंटेंस के लास्ट में करना है। तो आप हम सीधे इवन का यूज सबसे पहले कर देते हैं। इवन द डॉग्स, Even the dogs, अब नहीं भौंक रहे थे, were not barking। अब ये past continuous के रूल से हमने translate कर दिया इसको, लेकिन यहाँ पर हमें भी के लिए ध्यान देना था कि भी के लिए हम यहाँ पे also या to का use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका use हम केवल positive sense में करते हैं। जब भी negative sense में अगर भी आ जाता है तो उसके लिए हमें even या फिर either का use करना होता है। हमारा sentence बन गया even the dogs were not barking, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड, मैं गहरी नींद में सो रहा था। अब देखा जाए तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, पास्ट टाइम में कोई काम हो रहा था, मैं गहरी नींद में सो रहा था, तो मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। अब गहरी नींद में के लिए हम यहां पे यूज कर सकते हैं साउंडली, आई वॉज स्लीपिंग साउंडली, मैं गहरी नींद में सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग साउंडली। तो गहरी नींद में के लिए हम साउंडली का यूज करते हैं। अब इसके बाद है
मैं जोरों की आवाज सुनकर एकाएक जाग गया। मैं जोरों की आवाज सुनकर एकाएक जाग गया। अब यहाँ पे देखा जाए आया हुआ है सुनकर, जोरों की आवाज सुनकर, यानी कि यहाँ पे एक पार्टिसिपल का यूज किया गया है कि मैं जोरों की आवाज सुनकर एकाएक जाग गया। तो पार्टिसिपल तीन टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। हमें देखना है कि इसमें पार्टिसिपल कौन सा है। तो इसमें देखा जाए तो अगर ये आवाज नहीं सुना होता तो नहीं जगा होता, और दोनों काम के बीच में थोड़े भी समय का गैप भी नहीं है, यानी जैसे ही शोर सुना तुरंत जग गया। तो यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं कि हम वर्ब में आईएनजी से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, और इसमें वर्ब हमारा क्या है, सुनकर। तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे हियरिंग से। हियरिंग अर्थात सुनकर, चाहे तो उसके पहले ऑन का भी यूज कर सकते हैं, ऑन हियरिंग, या सीधे हियरिंग भी लगा सकते हैं। हियरिंग अ लाउड नॉइज, एक जोर की आवाज सुनकर। Hearing a loud noise, एक जोर की आवाज सुनकर मैं एकाएक जाग गया। तो मैं एकाएक जाग गया, I woke up, मैं जाग गया, I woke up at once, एकाएक के लिए हम लगा सकते हैं at once, यानी कि तुरंत जाग गया। I woke up at once, मैं एकाएक जाग गया। मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। मैंने देखा यानी कि आयसा, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था इधर, मैंने देखा आयसा कि सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। दैट एवरीवन कि सभी लोग भाग रहे हैं। अगर देखा जाए फ्रेंड तो उसके लास्ट में है आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन जब भी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है आयशा, ये पास्ट टेंस में है। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट में ही लिखना होता है। वाज, अब ईच या एवरी का यूज होता है तो ये सिंगुलर होता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। वाज रनिंग, भाग रहे थे। एवरीवन वाज रनिंग, एक ही ओर, यानी कि टुवर्ड्स की ओर के लिए हम कह सकते हैं towards, या फिर on one side कर सकते हैं, या फिर towards one side। तो मैंने देखा आयशा कि सभी लोग एक ही ओर भाग रहे थे, भाग रहे हैं, यहाँ पे आया हुआ है लेकिन हम ट्रांसलेट करेंगे भाग रहे थे। That everyone was running towards one side। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ लोग पानी लेकर जा रहे थे। तो कुछ लोग पानी लेकर जा रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यानी कुछ लोग हमारा सब्जेक्ट है। तो सम पीपल जा रहे थे, यानी कि वर गोइंग, सम पीपल वर गोइंग। अब इसके बाद है पानी लेकर। तो पानी लेकर, जब भी फ्रेंड सेंटेंस में लेकर शब्द आ जाते हैं, कोई भी चीज लेकर, कोई भी सामान लेकर कोई जा रहा है, तो वहां पे लेकर के लिए हम सीधे प्रीपोजिशन विद का यूज कर सकते हैं। Going with, some people were going with, कुछ लोग लेकर जा रहे थे क्या, पानी, यानी कि वाटर। Some people were going with water, कुछ लोग पानी लेकर जा रहे थे। अब इसके बाद है फ्रेंड्स कि कुछ लोग धूल लिए जा रहे थे, कुछ धूल लिए जा रहे थे। तो some were लिए जा रहे थे, अर्थात going, some were going with धूल लेकर, अर्थात dust, some were going with dust, कुछ लोग धूल लेकर जा रहे थे। कुछ लोग अपने हाथ में लाठी लिए हुए थे, अर्थात कुछ लोगों के हाथ में लाठी भी था, हमें ये ट्रांसलेट करना है, कुछ लोग के हाथ में लाठी भी था, अर्थात some people had a stick in their hand. Some people had a stick in their hand, और कुछ लोग हाथ में लाठी भी लिए हुए थे, और कुछ खाली हाथ भी थे, और कुछ and some खाली हाथ भी थे, and some were with empty hands, and some were with खाली हाथ के लिए empty hands।
अब उसके बाद है फ्रेंड्स कि कुछ देर में समझ ना सका कि क्या बात है, कुछ देर में समझ ना सका, कुछ देर यानी कि फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए फॉर सम टाइम मैं समझ ना सका, यानी कि ये पास्ट की बात हुई है, उसमें सका के लिए कुड का यूज हमें करना होगा। मैं समझ ना सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो कुछ समय तक के लिए फॉर सम टाइम मैं समझ ना सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्या ना समझ सका कि क्या बात है, कि क्या बात है। अब यहाँ भी अगर देखा जाए तो की के पहले वाला जो हमारा सेंटेंस है समझ ना सका, ये पास्ट में है, तो क्या बात है हमें नहीं ट्रांसलेट करना है बल्कि क्या बात थी करना है। तो अंडरस्टैंड दैट व्हाट, दैट व्हाट द मैटर वाज, दैट व्हाट द मैटर वाज। अब यहाँ भी फ्रेंड्स कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या बात थी, इसके लिए व्हाट वाज द मैटर हमने नहीं लिखा बल्कि व्हाट द मैटर वाज लिखा है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है, व्हाट द मैटर वाज एक नाउन क्लॉज है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है फ्रेंड्स। अगर देखा जाए तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया गया कि क्या बात थी, बल्कि बताया गया है कि कुछ देर में समझ ना सका कि बात क्या थी, पूछा नहीं गया किसी से। तो अगर ये पूछा गया होता तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता, यानी कि हमें यहाँ पे इसको इंटरोगेटिव में नहीं बनाना है बल्कि इसको हमें असर्टिव के रूप से बनाना है। तो इसलिए व्हाट द मैटर वाज, यानी कि हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और अगर आप नाउन क्लॉज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको दे दूंगा। तो अगला सेंटेंस है हमारा, मैं खाट पर लेटा रहा, मैं खाट पर लेटा रहा, यानी कि आई रिमेन्ड, मैं लेटा रहा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे हम रिमेन का यूज कर सकते हैं और इसमें सेकंड फॉर्म रिमेन्ड, आई रिमेन्ड। अब क्या कैसा, मैं लेटा रहा, आई रिमेन्ड लाइंग, आई रिमेन्ड लाइंग ऑन द कॉट, मैं खाट पर लेटा रहा। या फिर सीधे हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते थे कि आई लेड ऑन द कॉट, ऐसा भी लिख सकते थे आई लेड ऑन द कॉट, या फिर आई रिमेन लाइंग ऑन द कॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं खाट पर लेटा रहा, इसके बाद है कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी। अब सेंटेंस तो इस तरह से लिखा गया फ्रेंड्स कि कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी। अगर इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं तो उतना इजी नहीं होगा, तो बल्कि हम इसको ऐसा इसका सेंस निकाल सकते हैं कि कुछ देर में मैंने आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी देखा। सेंस हमें केवल पकड़ना है फ्रेंड्स, केवल हमें शब्दों पे नहीं जाना है, इसका सेंस हमें निकालना होता है। हम चाहे तो और भी इजी करके सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस सेंस सेम होना चाहिए। तो कुछ देर में मैंने आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी देखा, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ देर में के लिए हम करेंगे इन सम टाइम, इन सम टाइम, कुछ देर में। अब मैंने देखा ऐसा, मैंने देखा ऐसा ढेर सारा धुआं, के लिए अ लॉट ऑफ स्मोक, a lot of smoke, ढेर सारा के लिए फ्रेंड्स हम a lot of का यूज करते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि हमारा नाउन वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सभी के लिए हम a lot of का यूज कर सकते हैं। तो I saw a lot of smoke, मैंने ढेर सारा धुआं देखा और रोशनी and light या फिर brightness कर सकते हैं, देखा तथा देखा आसमान में, यानी कि इन द स्काई। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से था कि कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी, लेकिन हमने ट्रांसलेट किया कि कुछ देर बाद मैंने आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी देखा। अब ये सेंटेंस और भी थोड़ा इजी हो गया, लेकिन सेंस दोनों का सेम है, इसलिए ये सेंटेंस, ये ट्रांसलेशन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें केवल सेंस देना होता है।
तो इन सम टाइम आई सॉ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड लाइट इन द स्काई। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस पैसेज का नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आया ज्ञात हुआ और ज्ञात हुआ के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नोन ज्ञात हुआ। इट इज नोन ज्ञात हुआ के लिए हम लिख सकते हैं इट इज नोन ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी। तो की के लिए डैट का यूज हम करते हैं। एक मकान में आग लग गई थी, जब भी ऐसी बात आती है किसी भी मकान में आग लग जाना आग लगने की बात आती है तो वहां पे हम कैच फायर का यूज करते हैं और जिसमें आग लगी उसको हम सब्जेक्ट मांगेंगे। सब्जेक्ट है एक मकान, तो दैट अ हाउस या अ बिल्डिंग, अ हाउस भी लिख सकते हैं या फिर अ बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग। इट इज नोन दैट अ बिल्डिंग, ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी, याद हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी, तो इसके लिए caught fire, चाहे तो यहाँ पे had का भी यूज कर सकते हैं। It is known that a building caught fire, याद हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी और सब लोग भाग गए थे। तो और सब लोग and everyone अब भाग गए थे, ये भी past indefinite का सेंटेंस है इसलिए rushed away यहाँ पे हम लिख सकते हैं rushed away second form। तो it is known that a building caught fire, ऐसा लगा ऐसा ज्ञात हुआ मुझे ज्ञात हुआ it is known ये ज्ञात हुआ that a building caught fire कि एक मकान में आग लग गई थी and everyone rushed away और सभी लोग भाग गए थे। किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी। किंतु एक माँ but a mother किंतु एक माँ but a mother अपने बच्चे के साथ with her child अपने बच्चे के साथ जल रही थी, तो was burning जल रही थी। यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट अब मदर ही है। अब उस मकान में in that building उस मकान में, तो किंतु एक माँ उस मकान में अपने बच्चे के साथ जल रही थी, तो but a mother with her child was burning in that building। अब नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स कि माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता। और सही है गाइस कि माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है, तो माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता है। सभी लोग जानते हैं कि माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है, माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कौन नहीं जानता है, अर्थात Who does not know? वैसे अगर हम चाहें तो इसका सेंस तो है कि सभी लोग जानते हैं माँ के महान प्रेम को, सभी लोग जानते हैं, सेंस तो ये है। तो हम ऐसा भी बना सकते हैं कि everyone knows the great love of a mother, ऐसा भी बना सकते हैं। और अगर लिटरली बनाना चाहते हैं तो who doesn't know का भी यूज कर सकते हैं कि who does not know, थोड़ा और इफेक्टिव लगेगा ये। Who does not know, कौन नहीं जानता है माँ के महान प्रेम को, the great love of a mother. Who does not know the great love of a mother? एक माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता है। माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अगर इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा जाए कि माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आया है। और अगर सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आया है तो यानी कि वो हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। और लास्ट में है आया, यानी कि इसमें हमें इज एम आर का ही यूज करना है। तब इसमें सबसे पहले हम क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है? माँ का प्यार, तो हमारा सब्जेक्ट है माँ का प्यार, यानी कि द लव ऑफ अ मदर। अब इसके बाद है कि हम इज का यूज करेंगे, इज क्या है, स
सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यानी कि द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण का मतलब है द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। अब किसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है? निस्वार्थ प्रेम का, तो का के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ सेल्फलेस, निस्वार्थ के लिए सेल्फलेस और प्रेम यानी कि लव। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस था फ्रेंड्स कि माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसको हमने एक सिंपल सेंटेंस के रूप से ट्रांसलेट किया कि द लव ऑफ अ मदर इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस लव। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी पैसेज था, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।